स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए कि अब जो फुटिंग पे मेस बिछाया जाता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जाल वगैरह का काम ये किया गया है। जैसे ये पूरा प्लेन है ना, प्लेन करने के बाद ऐसा क्रैंक बनाया जाता है जो कि एल, ये जो है ये सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा 5x5 का ये फुटिंग का काम हो रहा है, ठीक है। 5x5 के फुटिंग में ये एल बनाया जाता है। तो एल कैसे बनता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, ये काम होने के बाद डाई से इसको मोड़ लिया जाता है। चलिए मैं ये देखिए आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये काम पहले भी किया जा सकता है, जैसे आप रड काट रहे हैं उसी समय भी आप 6 इंच का एल मोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं, बाद में भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ भी होता है। इन लोग को ऐसे में सुटेबल होता है तो ये लोग ऐसे अपना कर लेते हैं। अपने अपने अकॉर्डिंग होता है कि जिसको जिस सुविधा में काम किया जाए उस हिसाब से किया जाता है। ऐसे ही ये फुटिंग का एल बन रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, कंक्रीट पे ना पकड़ बनता है, जिसके वजह से ये एल 6 इंची का रखा जाता है। चारों साइड से अभी एल बनाया जाएगा। देखिए अभी आपको दिखा रहे, एक साइड का हो गया कंप्लीट, ये पूरा प्रॉपर आपको ऐसे ही बन जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में पहले इन लोगों ने क्या करा, ये प्लेन बांध दिया, ठीक है। प्लेन के बाद ये सबको मूर करके ये ऐसा बना लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट साइड पे ले जा करके इसको रखेंगे, और PCC पे रखने के बाद इसको ढाल दिया जाएगा। देखिए तो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।